जो आदमी को कुछ जानकारी नहीं है अपने जमीन के बारे में, वो सर्वे के नाम पर और कागज सुधार के नाम पर उससे बिचौलिया सरकारी कर्मचारी अनाप शनाप पैसा वो वसूल रहा है। तो सरकार जो घोषणा कर रही है कि हम सभी भूमिहीन को जमीन देंगे, तो जब जमीन ही नहीं दीजिएगा तो सर्वे गरीबों का कहां से होगा। जब पहले उन लोगों को जमीन दे दीजिए, और जो लोग हैं जिसके पुश्तैनी है आप उन लोगों को 6 महीने का समय दे। सर्वे के नाम पर जो सरकार सर्वे चला रही है, इस नाम पर जो है सो लूट का अखाड़ा बना दिया गया है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, ऐसे में देखिए कि अब जो है भूमि सर्वेक्षण के काम में भी बहुत सारी लापरवाही की बात निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर देखिए कि मुजफ्फरपुर के समरणालय परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कई मांगों को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ गरीबों को भी 5 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे कि जो भूमि संरक्षण का काम चला उसमें कहाँ पे गड़बड़ी पाई जा रही है। राज्य सरकार सर्वे का घोषणा कर दिया है, लेकिन राज्य में बहुत सारे त्रुटि हैं। जो बहुत ऐसा गरीब है जिसके पास में जमीन तो है नहीं, बिहार सरकार पोखर के भिंडा और रोड साइड में वो बसा हुआ है। सरकार कह रही है ये सबको हम भूमि का सर्वे करेंगे, लेकिन जब उसके पास में कोई कागजात नहीं है उसका सर्वे कैसे होगा। इसलिए पहले सरकार उसको 5 डिसमिल जमीन दे के पर्चा उसके हवाले कर दे, जमाबंदी नंबर खोल दे, रसीद काट के दे दे, तब उसका भी सर्वे करे, नहीं तो उसका सर्वे कैसे होगा। दूसरी नंबर, जिसका बाप दादा बरसों से जमीन रखे हुए है वो मर गया और अब तक उसका सर्वे का अभी सुधार नहीं हुआ है, फिर दूसरा सर्वे चला आया। इस सर्वे में इतना टूटी है जो कागजात बनाने में गरीबों को कितना परेशानी हो रहा है। अभी मुजफ्फरपुर आप कचहरी में चले जाइए, वो वंशावली बनाने के लिए आदमी वहाँ एक टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा अनाप शनाप पैसा देकर और टिकट खरीद रहा है, वंशावली बनवा रहा है। इतना ही नहीं, जो बिचौलिया लोग हैं, जो आदमी को कुछ जानकारी नहीं है अपने जमीन के बारे में, वो सर्वे के नाम पर और कागज सुधार के नाम पर उससे बिचौलिया सरकारी कर्मचारी अनाप शनाप पैसा वो वसूल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मांग करती है प्रदर्शन के माध्यम से, जो सारे जो परेशानी है गरीबों को, परेशानी किसानों को, परेशानी आम जनता की परेशानी, इसको दूर करे, और नहीं तो सर्वे को टाल के एक असल ले जाए, एक असल बात करे। इसके अंदर में तमाम कागजात को, एक एक जनता को कागजात को ठीक ठाक करके और तब वह सर्वे के लिए वह अपने कर्मचारी को भेजे राज्य में। क्या कुछ परेशानी हो रही है आज जो है बिहार सरकार द्वारा जो सर्वे शुरू किया गया है, CPM पार्टी के तरफ से जो आज धरना प्रदर्शन किया गया, उस माध्यम से जिला प्रशासन को मांग पर देते हुए बिहार सरकार को हम लोगों को ये सूचना देना है कि आप सर्वे का जो काम शुरू किए हैं वो बहुत अच्छा प्रयास है आपका, लेकिन पहले आप इसको करने से पहले लोगों को कागज ठीक करने का समय दे, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दे। जो सरकार जो घोषणा कर रही है कि हम सभी भूमिहीन को जमीन देंगे, तो जब जमीन ही नहीं दीजिएगा तो सर्वे गरीबों का कहाँ से होगा। पहले उन लोगों को जमीन दे दीजिए, और जो लोग हैं जिसके पुश्तैनी है आप उन लोगों को 6 महीने का समय दे कागज बनाने का। पहले सबको घोषणा करें कि आप कागज बना ले, कागज बनाने के लिए आप जगह जगह गाँव में पंचायतों में अलग से व्यवस्था करें, अपने प्रधान सचिव को इसको सरकारी अध्ययन अफसरों को सूचना दे के बैठाए, जो लोगों का कागज तैयार कर दे उसके बाद सर्वर करें, जिससे कि इस तरह का त्रुटि नहीं हो। ये तो लूट बचा हुआ है, सरकार ने लूट का खजाना खोल दिया है कि अपना सर्वे के नाम पर हर जगह जहाँ जाइए खाली पैसा का लूट हो रहा है और कहीं सर्वे कुछ नहीं नजर आ रहा है, बल्कि झूठ मूठ का हो रहा है। हमारी मांग है कि आप पहले कागज ठीक करवाइए, प्रशासन के लोगों को बैठाइए, 2-3 महीने का समय दीजिए कि लोग अपना कागज ठीक कर लो, उसके बाद सर्वे का काम करें। और देखिए कि महिला भी है, क्या मांगे क्या। आज का जो प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जो सर्वे के नाम पर जो सरकार सर्वे चला रही है, इस नाम पर जो है सो लूट का अखाड़ा बना दिया गया है। आज सोचने वाली बात है, सर्वे पर हमारे साथी लोग बोल चुके हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि एक वंशावली का अगर सवाल किया जाए तो वंशावली पहले
पंचायत समिति और मुखिया के सिग्नेचर से बनता था, वहाँ पर कोई एक पैसा की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज एक नई कानून ला दी गई है जो आपको एफिडेविट करवाना होगा, उसके बाद जो है सो वंशावली बनेगा। एफिडेविट के माध्यम से पैसा चाहिए, उस पर भी टिकट लगाना है, वो टिकट नहीं मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि ब्लैक से आप टिकट लीजिए और उसके बाद ये सब फॉर्म भरिए तो वंशावली बन पाएगी। तो ये सब सरकार क्या मतलब जनता को क्या दिखाना चाहती है, इससे जनता में जो है सो असंतोष उत्पन्न हो रहा है, जनता की आक्रोश बढ़ रही है कि जो चीज सीधी साधी ढंग से की जा सकती है उसके लिए जो है टेढ़ा मेरा रास्ता अपनाना। और जिसके पास, मैं पूछती हूँ कि जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका वंशावली नहीं बनेगा? अगर वंशावली नहीं बनेगा तो फिर उसका जमीन से उसको बेदखल होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। तो ये सब चीज जो है, ये सब चीज को जो है खत्म करना चाहिए। और सर्वे के लिए जो है, साथ ही बताए हैं सर्वे के लिए जो है जो कागज अभी पूर्ण रूपेण लोगों के पास नहीं है, उसके लिए वक्त दिया जाए। 1962 की जो सर्वे हुई थी उस सर्वे में भी आधी अधूरी सर्वे करके जो है सो छोड़ दिया गया था। तो आज भी वही स्थिति ऐसा ना हो कि जो उत्पन्न हो जाए, इसके लिए वक्त चाहिए। उस दिन टाला जाए सर्वे को और लोग को जो है सो पुराना जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन किया जाए, और ऑनलाइन होगा सब लोग अपना अपना कागज को तैयार कर लेंगे, फिर सर्वे चलावे, और सर्वे होना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए कि अभी लगातार बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। ऐसे में देखिए कि अब जो है कहीं कहीं जो लोगों को परेशानी हो रही है, तो इन लोगों का कहना है कि पहले सभी समस्या को दूर किया जाए, उसके बाद ही जमीन सर्वे का काम शुरू किया जाए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।